नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझते हैं कि किसी भी एलईडी टीवी में अगर हमको रेजुलेशन की मैचिंग कराना हो तो उसको हम कैसे मैच कराएंगे। क्योंकि अगर हमारा कोई भी टीवी चाहे 2K हो, चाहे 4K हो, चाहे 8K हो, तो हम एक बेसिक इसको U11 को लेते हैं और इसी के मेथड से हम इसको समझते हैं। यानी जैसे 2 चैनल 8 बिट 30 पिन का ये जो है मदरबोर्ड है, और ये है 4 चैनल 10 बिट का ये जो लॉजिक बोर्ड है, ये है पैनल का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैनल और ये हो गया मदरबोर्ड। जब ये प्रॉब्लम आता है कि हमें किसी एक को चेंज करना है, यानी एक एलईडी टीवी में अगर पैनल या मदरबोर्ड, अगर मदरबोर्ड भी चेंज करते हैं तो भी पैनल की मैचिंग होना चाहिए, अगर हम पैनल चेंज करते हैं तो भी मदरबोर्ड के हिसाब से, यानी दोनों का सिंक्रोनाइजिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रेजोल्यूशन के मेथड को समझते हैं, जो कि एक कॉमन बेसिक है। अब इसको यहाँ पर देखें कि 8 बिट क्या होता है, जिसे 2 चैनल 8 बिट 30 पिन। तो हम सबसे पहले U11 के सिस्टम को समझते हैं। अब इसमें 8 बिट क्या है, जैसा कि आपको बता दें कि 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, ठीक है। ये बिट बाइनरी से बना हुआ जो हमारा लॉजिक कोड होता है, जो डिजिटल के लिए काम आता है प्लस माइनस का, वही ये है। अब इसमें अगर 30 पिन है तो 8 बिट का मतलब क्या हुआ, तो इसको समझते हैं। जैसे 2 चैनल में क्या हुआ, जिसे 5-5 का पेयर है तो ये हो गया 2 चैनल। अगर हमारा SD है तो एक सिंगल पेयर काम करता है जो कि 5 पेयर होता है, फिर अगर 5-5 जुड़ जाते हैं तो फुल HD हो जाता है। तो 5-5 हो गया यानी 10, ठीक है। लेकिन अब 10 में 2 चैनल हो गए 5-5, अब 10 में 8 बिट क्यों कहा जाता है उसको समझते हैं। उसको जानने के लिए यहाँ पर देखें, जैसे ये हमारा जो 30 पिन है, 30 पिन में क्या है कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैंसिल हो गया। तो हम इसको कैंसिल बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं कि पीयर। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर ये ग्राउंड छोड़ देंगे, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। अब ये 5-5 हो गया तो 1 चैनल ये हो गया टोटल हमारा, ये हो गया 1 चैनल। ये हो गया इसका 1 चैनल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो फिर यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक। ये हो गया हमारा 2 चैनल, ठीक है। अब ये दोनों मिलाकर हो गया 10 पेयर, टोटल 10 पेयर। अब ये जो 10 पेयर है तो इसको 8 बिट कैसे जाना जाएगा, उसके लिए यहाँ पे ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, इसको कैंसिल कर देंगे। ये हो गया 4, यानी 1 2 3 4। फिर यहाँ पर आएंगे 1 2 3, फिर ये जो हमारा 4 वाला है इसको, ये केवल 8 बिट को जानने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये जैसे है 5, इसको हो गया 4। तो यहाँ से अगर देखेंगे RGB हमारा प्लस माइनस, तो 1 2 3 4, ये RGB प्लस माइनस इसलिए है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है LBA 0, ठीक है, LBA 0 प्लस, 0 माइनस 0 प्लस। अब ये LB मतलब हुआ लो वोल्टेज, ये क्या है, ये है चैनल का, यानी इसको जो है एक कोड दिया गया, ये हो गया और ये हो गया B। तो B में हमारा जो ये दूसरा चैनल है और ये फर्स्ट चैनल है, तो फर्स्ट का हो गया ये
और सेकंड का हो गया बी। यहाँ पर देखेंगे लिखा होगा लो वोल्टेज बी, ठीक है। तो इसी हिसाब से अब ये जीरो जीरो वन टू ये आरजीबी है, ठीक है। तो आरजीबी ये हो गया। अब इसमें जो रेजोल्यूशन काम करता है हमारा फोर फोर का, तो ये फोर ये फोर ये हो गया एट बिट, ये एट बिट हो गया। और टू चैनल मतलब एक ये हो गया बी और एक हो गया ये, तो ये हो गया टू चैनल। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ ये फोर चैनल है टेन बिट। अब इसका इसके साथ लगाना है हमको, यानी ये जो हमारा मदरबोर्ड है इस पैनल के साथ हमको लगाना है। तो इसमें क्या है, इसमें 30 पिन है, तो इसमें क्या है, इसमें 34 पिन है। अब 34 पिन में चूँकि 4 पिन अधिक है, अब ये 8 बिट है और ये है 10 बिट। अब 8 बिट को 10 बिट के साथ मैच कराना है, तो उसको कैसे कराएंगे, यहाँ पर देखें। जैसे यहाँ पर पेयर को देखे हैं आप कि 5-5 जो है हमारा 10 हुआ, तो इसका जो पेयर बना, यहाँ पर भी आप देखेंगे, इसीलिए इसको सामने कर दिए हैं कि जैसे इसका पॉजिटिव और निगेटिव जो भी सीसी सप्लाई है और इसका जो बिन सप्लाई है, तो इसमें भी 6 पिन देखो यूज किए गए हैं और इसमें भी 6 पिन यूज किए गए हैं। अब यहाँ पर हम आरजीबी को लेते हैं जो कि हमारा प्लस माइनस के रूप में है। तो देखिए ये है यहाँ पे ऑड और इवन के नाम से दिया गया है, जैसे यहाँ पर ए और बी के नाम पे, जैसे ये है ये और बी है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑड इवन, ई मतलब इवन और ओ मतलब ऑड, ऑड इवन के अनुसार जो है इसमें दिया गया है पेयर का। अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे 10 बिट, अब 10 बिट को कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ दे ऐसे देखें, जैसे इसमें क्या है, एक यहाँ दिखते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया। अब इसमें पांच ये, और फिर इसके बाद एक और देखते हैं, ये तीन के बाद जो ऑड फोर है ये हो गया सिक्स, ठीक है। अब इसके बाद इवन पे आ जाते हैं, ये हो गया एक, ये दो, ये तीन, ये चार, फिर इवन फोर, ये हो गया फाइव, अरे सॉरी एक सेकंड, ये तो ये हो गया थ्री क्लॉक और ये हो गया फोर, नहीं ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर और ये हो गया हमारा फाइव। एक कम कैसे पड़ गया है, एक दो तीन। अब यहाँ पर देखें, अब नेक्स्ट देखते हैं इवन, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ठीक है। अब सिक्स सिक्स इसमें पेयर बन रहे हैं। अब सिक्स सिक्स पेयर का मतलब हो गया 12, यानी 12 में क्या है 10 बिट हमको क्लियर करना है। अब इसमें कैसे क्लियर करेंगे, जैसे इसमें क्लियर किए थे ये क्लॉक वाला। अब यहाँ पर देखें कि क्लॉक कौन सा है, इवन में क्लॉक माइनस और क्लॉक प्लस,
एक ये हो गया। फिर ऑड में देखते हैं कि ये हमारा क्लॉक माइनस और क्लॉक प्लस, ये हो गया ये। अब इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो तीन के बाद यहाँ पर चार आ जाएगा और फोर के बाद ये आ जाएगा फाइव। फिर ऐसे यहाँ पर है तीन के बाद, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा चार, नहीं सॉरी इसको कैंसिल करते हैं तो इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। अब ये जो फाइव वाला है ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा फाइव लास्ट, यानी वन टू थ्री फोर फाइव ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये फाइव ये हुआ और फाइव पेयर ये हुआ। अब फाइव फाइव मिलके क्या हो गया, फाइव प्लस फाइव बराबर टेन बीट, यानी ये टेन बीट का पैनल हो गया ये। तो ये एट बीट का पैनल और ये टेन बीट का पैनल। अब दोनों को अगर हमको इसका जो है एट बीट का पैनल, अरे सॉरी ये एट बीट का मदरबोर्ड इसके साथ लगाना है, तो इसको मैचिंग करने के लिए आपको एक काम करने हैं, वो जो है आपका डिस्प्ले पे जो इमेज वीडियो बनता है वो जब इसकी मैचिंग हो जाएगी तो वो अपने आप ये सिंक कर लेगा। उसके लिए इसके रेजुलेशन को सेटिंग करना होगा। वो कैसे, जैसे यहाँ पर देखें, जैसे इसमें नॉर्मल तरीके से फाइव फाइव पियर है जो कि क्लॉक को लेकर, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है जैसे इसमें 30 है तो इसमें 34 है, 34 में ये चार एक्स्ट्रा है, ये इस चारों को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बाकी को जैसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही मिला देंगे और इसका जो है पैनल के साइड में इस लॉजिक बोर्ड में ये चारों कैंसिल कर देंगे। एक है ऑड, एक है इवन। ठीक है, इसका माइनस और प्लस और इसका माइनस प्लस दोनों को कैंसिल कर देंगे, पिक्चर आपका फुल एचडी में आ जाएगा। अब इसमें एक और ख़ास बात देखने की ज़रूरत है, वो ये है कि जैसे इसके आगे साइड में मदरबोर्ड के ये, एक मिनट दिखाते हैं आपको, इस U11 के मदरबोर्ड में आगे साइड में पॉजिटिव होगा हमारा, प्लस होगा। तो ये प्लस यहाँ पे आगे है और इसमें आप देखेंगे माइनस है। ठीक है, आगे साइड में तो यहाँ पे एक चीज़ आपको चेंज करने होंगे, यानी अगर आपको सॉकेट सेम इसी में लगाना है, यानी LVDS का जो LVDS की केबल जो लगेगी यहाँ पे वो सेम आपका लग जाएगा, इस पर फिट हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ करना होगा, इसका जो वायर है वो आपको चेंज करने होंगे, यानी इधर से इधर कर देने हैं। जैसे इसका है तो इसके साथ मैच कराने के लिए जितने भी पॉजिटिव वाले वायर हैं उसको निकाल कर इसका इसमें कर दें, इसका इसमें कर दें, तो वो ऐसे एक तरफ से आप करते आएँगे। केवल इसका RGB ही केवल क्लियर करना है, बाकी सारे जो अदर हैं उसको रहने देना है। ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, पिक्चर आपका बन जाएगा।